क्या पानी का बहाव है यार, वाह। हेलो दोस्तों, तो अभी बस कुछ टाइम बाकी है हमारे निकलने में, और क्या है कि भाई बारिश तेज है बाहर बहुत ज़्यादा। मैं दिखाता हूँ आपको, आप देखो बारिश, ये देखो बहुत बारिश हुई है, कल रात से बारिश है। अगर मॉर्निंग में निकलना है 4-5 बजे, और अगर बारिश हुई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार निकलना। फिर देखेंगे, जैसे मेरे को बस 2 घंटे चाहिए कि बारिश ना हो, 2 घंटे में अपनी मंजिल तक पहुँच सकता हूँ जो मेरी डेस्टिनेशन है। तो ये अभी गाड़ी है, इसमें सामान भी पैक करना है, तो सब बारिश में सब ख़राब हुआ पड़ा, सब कपड़े सब गीले हैं यार, सूख नहीं रहे, क्या करेंगे। वॉशिंग मशीन भी काम करती है तो थोड़ी सी नमी रहती थी ना, मॉइस्चर रहता है कपड़े में यार, वो भी नहीं सूखता बारिश ज़्यादा होती है तो। बात समझ रहे हो ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, निकलना जल्दी था लेकिन लेट हो गया क्योंकि बारिश है बाहर, और अभी बज रहे हैं 9:30 होने वाले हैं। नहीं निकल पाया, सब ड्रेस व्रेस भी सब चेंज की क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा सब गियर्स वगैरह बारिश में ख़राब हो। तो थोड़ी दूर जाना है यार, 120 किलोमीटर, तो ये ट्रैक सूट में निकल जाएंगे। तो सबसे पहले जो चैन को लुब्रिकेट कर लेते हैं, ये वो ज़रूरी है बारिश में। भाई लोगों, बहुत मुशक्कत के बाद निकलना पड़ रहा है, आप ये समझ लो इतनी मेहनत की है। कल पैकिंग नहीं कर पाया, मतलब पैकिंग हो गई थी लेकिन बाइक पे बैग पैक नहीं कर पाया। आज 1.5 घंटे से लगा हूँ मैं, कुछ बैग में से सामान निकालना था बाइक पे रख के, फिर वो खोल के फिर हटाना पड़ा, फिर सामान रखना पड़ा, बहुत मुश्किल के बाद। सब वाटरफॉल जाने वाले लोग हैं ये, अभी ठीक 10 बजे हैं, शायद 2 से 2.5 घंटा लगेगा क्योंकि बारिश है। 120 किलोमीटर यहाँ से, ये बसई ईस्ट है चिंचोटी, यहाँ से ठीक बापी करीब 120 किलोमीटर, बापी पहुँच गए तो फिर दमन दिलवाता कहीं भी जा। 1 साल का है क्या? 2923 बीसी, बॉम्बे वाला बीसी। कितना, 6 महीने का है 1 साल का? कितने, कितना कितना देना है? थोड़ी हवा ले ली जाए, पीछे आगे हवा भी होगी भाई, आगे 30 पीछे 32, अब हो जाए पेट्रोल। अरे यार बड़ी लंबी लाइन है, 999। थोड़ा सा पीछे ले लो, ऐसे निकल भाई, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, अब थोड़ा रॉन्ग साइड से चलते हैं, कानून अपने हाथ में लेंगे 2 मिनट के लिए। इतना तो चलता है यार, अगर रॉन्ग साइड से आपको जाना तो आपका एरिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो भैया अब यहाँ से होता है हमारा मेन जर्नी शुरू, ये हाईवे है मुंबई टू अहमदाबाद, ओके। और यहाँ से हमें जाना है बापी, जो कि 120 किलोमीटर है यहाँ पर, अभी जहाँ से मैं चल रहा हूँ, ठीक है। बापी इसलिए कि भाई बापी दोनों, ये क्या होता है कि जब गुजरात शुरू होता है ना तो बापी से स्टार्ट होता है, और हम मुंबई की तरफ से जाएंगे, ठीक है। अगर आपको दमन और सिलवासा जाना है, ठीक है, तो दमन में आपको, अगर दमन से, अगर मान लीजिए दमन में गए तो दमन से आपको सिलवासा लंबा पड़ेगा, तो आप बापी में ठहरो। बापी से 15 किलोमीटर इधर सिलवासा, 11 किलोमीटर उधर दमन, ठीक है ना। तो आपको होटल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और इस तरह से आप 3 जगह घूम लोगे, गुजरात, दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली, 3 राज्यों को आप छू सकते हो। चौथा तो है ही महाराष्ट्र, यहाँ से मैं जा रहा हूँ, तो अभी मैं 4 दिन की राइड में 4 स्टेट घूमूंगा। भाई भाई देखना था, गाड़ी में पंचर तो नहीं पीछे पहिए में? नहीं ना, मुझे ऐसा लगा। कहाँ रोकूँ यार, कहाँ रोकूँ, ये ठीक करना है मेरे को, कुछ दिख नहीं रहा मेरे को पीछे का। अरे यार यहाँ भी जाम है यार, सर क्या हो रहा है, वसई को लॉक कर दिया क्या, वसई के अंदर लोग जा नहीं पा रहे क्या, क्या खतरनाक मौसम है यार। यही मैं घर से देख रहा था खिड़की में, सर को लग रहा था क्या सुहाना मौसम है,
क्योंकि रोड पे निकल के लग रहा कि कितना खतरनाक मौसम है। ये भाई 100 की स्पीड है इस समय, 100 90, ज़्यादा ठीक नहीं बारिश में, ज़्यादा हीरो मत बनो। तो हमने बस यही फाटा पार कर लिया, नाला सुपारा नाला सुपारा वाला रास्ता, हाँ वो भी हमने पार कर लिया है। अभी शायद ब्रार फाटा आएगा, चाय मिले तो यार चाय मारे। दिल्ली की तरह गर्मी नहीं होती है यहाँ, लोग इसलिए टिकते हैं कि मौसम होता। हाँ सर्दियों में सर्दी नहीं पड़ती भाई, देखो सर्दियों में ठंडी नहीं पड़ती तो गर्मियों में गर्मी नहीं पड़ती, और बारिश में तो बारिश इतना आपकी दिल खोल के लेना ले लो जो भी इच्छा है आप, जितनी आपको ना बारिश मेरे को बहुत पसंद, तो भाई जिसको पसंद है ना वो यहाँ जाओ। चार दिन आप बोल दो बोले भाई बस बस करो प्रभु बस करो, हमसे ना हो पाएगा। टोल तुमने पार कर दिया, ये बुलाएगा चाय हमें, देखो ये सारा लूज हो गया है भाई। चाय बनेगा है, चाय दे दो, एक दे दो। विरार फाटा निकल गया ना, पीछे निकल गया ना, तो यहाँ भी शाम को बंद हो जाता है 4 बजे के बाद, ये चालू रहता है आपका? अच्छा 8 बजे के बाद, ये लॉकडाउन में पहले से ही? अच्छा वैसे तो चालू रहता होगा ना पहले तो, रात भर है। अब रुकेंगे भाई सीधा अपनी डेस्टिनेशन, बीच में कहीं नहीं। चलिए जय भोलेनाथ, सब कुछ ओके है? सब कुछ ओके नहीं भाई, पीछा घूम गया मेरा, साइड मिरर घूम गया, क्या हो रहा है यार मेरे साथ, पता ही गड़बड़ हो गया भाई। बात है यार, छोटी मोटी जो राइड होती है ना घर से बाहर, ये लिया वो लिया, वहाँ पता नहीं चलता, जब आप लॉन्ग राइड पर निकलोगे ना तभी कमियाँ नज़र आती हैं। मतलब शीशा ये देखो, ये साला कहाँ देख रहा है, दिख नहीं रहा, आसमान दिख रहा है मुझे। अरे यार ये भी बंद है, मेरे को अपना टूल निकालना पड़ेगा यार, ठीक कर लेते हैं भाई, इससे बात बनेगी नहीं, मामला बहुत गड़बड़ा रहा है। रोकते हैं, टूल निकालना पड़ेगा, टूल तो चाबी को बाहर रखते हैं भाई। देखो अरे दिख रहा है बराबर, पीछे बराबर दिख रहा है, ठीक है ना, इसके बिना चला पाना भाई मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। अभी ओके हो गया, ठीक है अब चलेंगे सीधा वहीं रुकना। देखो ये बारिश हो रही बहुत तेज, ठीक है ना, मैं सब ढकने वाला हूँ माठा पोक से, तो सब मैं आपको रूम में मिलूँ फिर होटल में, ठीक है ना, कि मैं रिस्क नहीं जाता, तो मेरा मोबाइल वोबाइल सब टैंक वैक सब ओपन है, तो मैं जो ना वाटर प्रूफ कवर से इसको ढक लेता हूँ। ये काम करते हैं, कैमरा बंद नहीं करते ना, बट कैमरा वाटर प्रूफ है, बैटरी मेरे पास डबल है, जहाँ तक चलता चलने देते हैं, रुकना नहीं है समझे, दिक्कत कुछ भी आए रुकना नहीं है, हारना नहीं है। तो अभी यहाँ से 80 किलोमीटर है काफ़ी, तो इसमें बारिश का मौसम है यार, थोड़ा रुक रुक के जाना पड़ रहा है, करेंगे कोशिश जल्दी पहुँचने की, लेकिन जल्दी करनी नहीं है, ठीक है ना, आराम से चलेंगे, थोड़ा कुछ पिक्चर क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, चलो। हालत देखो नदी की हालत, देख रहे हो नदी की हालत, क्या पानी का बहाव है यार, वाह क्या डेंजरस मामला है।
नदी है कि खाड़ी है? भैया बापी में पहुंच चुके हैं, बारिश बहुत तेज थी, बहुत मुश्किल से पहुंच पाया हूं। कैमरा वैमरा सब बंद हो गया, सब कुछ जी दोस्तों रूम में पहुंच गए होटल, बहुत मुश्किल से सब भीगा हुआ बारिश में, देखिए मैं सब बिल्कुल बारिश में भीगा हुआ है, मेरा सामान सब भीग, ये बैग बच गया क्योंकि कवर बैग था इसमें, क्योंकि सब में पानी है, सब गंदा है। ये छाता लाया था लेकिन छाते का यूज़ नहीं किया, मेरा कैमरे का बैटरी भी चला गया। ये बात एक सेकंड दिखाता हूँ, ये बाथरूम है, ये मैंने अभी जैकेट डाला है जो कि अब मेरे को धोना पड़ेगा, मतलब पानी तो निकालना पड़ेगा कम से कम। ये टीवी है रूम में, अच्छा है, सिंगल बेड मैंने लिया था, सिंगल बेड में जो मिला है फ़ोन टीवी और छोटा सा रूम है, ठीक है ना। ये देखिए छोटा सा रूम है, अच्छा है यार, बुरा नहीं है, ठीक है ना। चाय वाला नीचे और खाने के लिए रेस्टोरेंट भी नीचे है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई जब मैंने ये नोटिस किया कि जो है ना, अगर हम ऑनलाइन होटल बुक करते हैं ना तो सस्ता पड़ता है, ठीक है ना। एक तो प्लानिंग थोड़ा सा एडवांस में करना पड़ेगा हमको, है ना, कि कब जाना है, तो ऑनलाइन हमेशा सस्ता पड़ेगा। जितने में मुझे मिला ना, नहीं मिलता अगर मैं यहाँ पे आता, गारंटेड बहुत सस्ता पड़ा, बहुत सस्ता, बताऊँगा मैं आपको बाद में, ठीक है ना, कितने मुझे पड़ा 4 दिन के लिए। और नज़दीक में यहीं से 7-8 किलोमीटर दमन है, और या 12-13 किलोमीटर यहाँ से इधर राइट में जाएंगे तो सिलवासा, और लेफ्ट जाएंगे तो दमन। तो ये है, बाकी अभी तैयारी करते हैं, थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं आपसे। चलिए बाइक का पार्किंग नहीं है यहाँ पे भाई, क्या करेंगे यार। तो बोल रहा था कि पार्किंग जो है लॉरी लेके आओ, पार्किंग मिल जाएगा, पार्किंग नहीं है। वो खड़ा है मेरा बाइक सामने पानी में, यार दिक्कत हो जाएगी यार, कैसे होगा, तो बाहर ही खड़ी रहेगी बाइक पर। आधे घंटे से खड़ा हूँ यार मैं, चाय वाला पता नहीं कहाँ गया, ये है ही नहीं, दुकान छोड़ के पता नहीं कहाँ भागा हुआ है। तो भाई बारिश का भी अपना अलग मज़ा है, समझे आप, इतना बारिश हुआ कि 9 बजे घर से निकला मैं, और 1:30 बजे पहुंचता हूं और देखता हूं कि बारिश कीचड़, बारिश जैम। उसके बाद होटल में आया, थोड़ा क्लीन किया अपने आप को, थोड़े आपको दिखाऊं, देखिए ये सब मेरे पे गाड़ी की, जो बाइक जब कार चलाते ना ट्रैक वगैरह, वो हाईवे का जो पानी का जो स्प्रे करते चलते ना, वो बड़ी दिक्कत हुई यार, खुजली होने लगी थी। तो आगे अपने आप को डिटॉल से, कपड़े भी मैंने भिगो के रखा, खुद भी क्लीन हुआ, और फिर आके भाई मैं चाय पिया, थोड़ा सा मैंने कुछ लंच किया, उसके बाद जो मुझे नींद आई ना, लेकिन बारिश नहीं रुकी, बारिश बराबर थी हर जगह। तो कुछ नहीं, उठा, देखिए मैं कपड़े अपने सेट कर दिए, जरा इसमें कपड़ में ये अपने सब सेट कर दिए हैं कपड़े, और ये हेलमेट, ये भी ये जो है ना मेरा टैंक बैग भी थोड़ा नीचे से भीगा, बाकी तो ऊपर से ठीक था, क्योंकि कवर इसमें वाटरप्रूफ कवर था। और ये टैंक बैग, तो ये टेल बैग, ये भी जो है ना सिर्फ नीचे से भीगा, गीला हुआ हल्का सा नम, बाकी सब ठीक रहा। तो और कुछ नहीं, अभी आज कल लोग एडिट करेंगे, और कल शायद, कल तो नहीं, हाँ कल आप देख पाएंगे, ठीक है ना। तो यही मज़ा आ रहा है, लेकिन बारिश भी है भाई, मज़ा तो आ रहा है लेकिन साथ में बारिश भी है, बारिश का मज़ा और मज़ा, दो मज़े, ठीक है ना। तो बाकी कुछ नहीं, भी खाना ऑर्डर करेंगे, खाएंगे, है एक मेरे पास ही मेन्यू कार्ड पड़ा है यहीं पे खाने का, न्यू यादव रेस्टोरेंट, तो कुछ मंगाते हैं खाने के लिए, हल्का खाएंगे, ज़्यादा हैवी नहीं खाना, क्योंकि थकान है, नींद आ रही है, सोना है, ठीक है। थोड़ा सा एडिट करेंगे, सो जाएंगे भाई, ठीक है, बाकी मिलेंगे कल, थोड़ा कल जल्दी उठेंगे, जल्दी जाएंगे, डबल मेहनत करेंगे, क्योंकि आज का दिन बेकार हो गया। मैं सोच रहा था कि आज का दिन दमन जाएंगे या उदवाड़ा, तो आज का दिन बेकार हो गया, कल से डबल मेहनत, एक दिन में उदवाड़ा और दमन घूमेंगे, बाकी फिर 2 दिन सिलवासा, मतलब दादर नगर हवेली पूरा, ठीक है। तो यही है, जैसे मैं घूम रहा हूँ ऐसे ही मैं आपको घुमाऊँगा यार, और क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो
लेकिन सावधानी, बारिश बहुत ज़्यादा है, हाईवे पे बहुत ट्रैफिक गंदा है, ठीक है ना। तो सावधानी से आप बाइक वाइक चलाओ। और मैं तो पहुंचा जैसे तैसे, मेरे को लगे 3-4 घंटे, जबकि 1.5 घंटे मुझे पहुंचना था, ठीक है। तो फिर चलिए चलते हैं, एडिट कर लेते हैं और फिर कल आपसे मिलते हैं। ओके बाय, चलिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।